हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर सुपर सेंस। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है हमसे कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप प्लेग्राउंड के अंदर बैठकर रोटी खा रहे हो और अचानक से कोई चिड़िया या फिर ईगल आए और आपकी रोटी छीन कर ले जाए, या फिर आप कभी किसी डॉग के पास से गुजर रहे हो और अचानक से उसके कान इस तरीके से खड़े हो जाएं, या फिर आपने कभी किसी एंट को देखा है और जब आप कुछ स्वीट चीज़ मतलब कि मीठी चीज़ ग्राउंड पर डालते हो तो कुछ ही देर के अंदर बहुत सारी एंट्स वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती हैं, उस चीज़ को खाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें हमें पता चलने वाली हैं इस चैप्टर के अंदर, और आखिर सुपर सेंस का मतलब क्या होता है ये भी हमें पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। तो जो एनिमल्स होते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस होते हैं। अब सेंसेस का मतलब ये होता है कि शक्तियाँ टाइप समझ लो, जो हमारी बॉडी के अंदर एक बिल्ट इन क्वालिटी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग फ़ोन होते हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। ऐसे जो ह्यूमन बींग है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी अलग क्वालिटी है, एनिमल्स की अलग क्वालिटी है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास डिफरेंट सेंसेस होते हैं, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी देखने की शक्ति ज़्यादा होगी या तो किसी एनिमल की, या फिर किसी एनिमल की सुनने की शक्ति ज़्यादा होगी, या फिर वो चीज़ों को टेस्ट बहुत अच्छे से कर सकता है, या कुछ एनिमल तो ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ को बहुत दूर से स्मेल कर सकते हैं, जैसे कि क्या, डॉग्स। तभी जो डॉग्स होते हैं उनको यूज़ करा जाता है जब कहीं पर कोई बॉम्ब वगैरह लगा देते हैं ना टेररिस्ट, आतंकवादी लोग, तो डॉग्स को वहाँ पर ले जाया जाता है, तो डॉग्स दूर से ही उस बॉम्ब की स्मेल सूंघ लेते हैं। तो ये एक स्पेशल क्वालिटी है। अब स्मेल तो हम लोग भी कर सकते हैं, पर डॉग्स की नोज़ बहुत स्ट्रांग होती है। फील, तो ये सारी चीज़ें हर एनिमल की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके पास सेंसेस होते हैं। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, जैसा मैंने आपको भी बताया, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूर से अपने प्रे को मतलब कि जिस जो उनका खाने वाला है, शिकार है, उसको दूर से देख सकते हैं। सम एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि फेंटेस्ट, फेंटेस्ट का मतलब होता है कम से कम आवाज़ को भी बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि वो अपने दोस्तों को उनकी स्मेल से ढूंढ पाते हैं। अरे वाह, काश हम लोगों के साथ भी ऐसा होता, हम भी अपने दोस्तों को स्मेल से ढूंढ पाते। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो अगर आप एनिमल्स के बारे में जानोगे, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में, जैसा मैंने अभी आपको एक डॉग के बारे में बताया, तो ऐसे ही ना जाने अलग अलग एनिमल्स के पास क्या क्या क्वालिटी होती है, ये हमें इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पता चलेगा। तो यहाँ पर एक हमें सिंपल सी चीज़ और बताई गई है। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। अब ये जो एंट होती हैं ये अपने दोस्तों को कैसे पहचानती हैं, आप बोलोगे सिंपली सर देखकर, हम भी तो अपने दोस्तों को देखकर ही पहचानती हैं। नहीं, यहाँ पर डिफरेंट तरीका यूज़ करती हैं एंट्स, हमें पता चलेगा अभी। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल, द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन। क्या होता है कि एक एंट होती है जो बाहर जा रही होती है ग्राउंड से, ठीक है, जब वो ग्राउंड से बाहर जाती है तब वो दूर से बहुत सारी एंट्स का ग्रुप आते हुए देखती है, वो भाग कर दोबारा अपने होल के अंदर मतलब उसी छेद से जिससे वो बाहर आई होती है उसके अंदर जाती है। तो वहीं पर एक एंट खड़ी होती है जो उस होल को क्या कर रही होती है, गार्ड। गार्ड तो आप समझते ही हो, गार्ड मतलब कि रखवाली कर रही होती है कि इसके अंदर कोई और एंट एंटर ना करें। तो वो जो एंट गार्ड कर रही होती है उस होल को, वो जैसे ही इस एंट को आते हुए देखती है तो ये समझ जाती है कि ये तो एंट इसी होल के अंदर रहती है, तो उसे अंदर जाने देती है। तो आखिर जो गार्ड वाली एंट थी उसने कैसे पहचाना, तो अभी हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो ये कैसे पता चला वो जो एंट थी गार्ड कर रही थी कि जो और दूसरी एंट्स आ रही हैं वो उनके ग्रुप की नहीं है, और उसको आखिर ये कैसे पता चला कि जो अभी अभी एक वो सिंगल एंट आई थी फटाफट भागकर वो उन्हीं के ग्रुप की है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जनरली जो एंट्स होती हैं वो एक दूसरे को स्मेल से मतलब कि खुशबू से पहचानती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम आगे, और एक हमें खुद भी एक्सपेरिमेंट करने को बोला है ना, केयरफुली हमें क्या करना है कि एंट्स को हार्म नहीं करना, उनका पाथ ब्लॉक करना है। अगर आपको लाइन से ऐसे जाते हुए दिखें ये एंट्स चीटियाँ,
तो उनके पाथ को कैसे ब्लॉक करना है, आपको क्या करना है, आपको एक पेंसिल रख देनी है इनके रास्ते में। ऐसा नहीं करना है, इन्हें मारना वारना नहीं है, इनके रास्ते में इस टाइप से एक पेंसिल प्लेस कर देनी है। तो ये जो एंट है, मान लो ये सीधे जा रही होंगी तो ये अपना रास्ता बदल लेंगी। अब ये जो इन्होंने रास्ता बदला है, ऐसा क्यों हुआ है, तो यही चीज़ को जाना था एक साइंटिस्ट ने। बहुत साल पहले, मैनी ईयर्स अगो, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा इसी तरीके का, और उन्हें ये पता चला कि एंट्स किस तरीके से मूव करती हैं, और वो जब मूव करती हैं तो वो किस तरीके से स्मेल, मतलब कि खुशबू अपने पीछे छोड़ती हुई जाती हैं ग्राउंड के ऊपर। इसी वजह से जो और एंट्स होती हैं उनकी खुशबू को फॉलो करके उनके पीछे पीछे रास्ता ढूंढ लेती हैं। अब आप लोग गैस कर सकते हो कि आखिर ये जो एंट थी, यहाँ पर जैसे ही पेंसिल रखी हम लोगों ने तो इन्होंने रास्ता बदला, तो ये जो पीछे वाली एंट थी इनको कैसे पता चल गया, और इन्होंने भी रास्ता चेंज कर लिया। क्यों? क्योंकि ये वाली जो फर्स्ट वाली एंट होगी, इसने अपनी स्मेल छोड़ दी होगी ग्राउंड के ऊपर, तो ये सारी एंट्स इस स्मेल को छोड़ सूंघते 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 इस एंट के पीछे आ गई। तो यहाँ पर ये भी लिखा है कि कुछ ऐसी एंट होती हैं, नाउ कैन यू गेस वाई द एंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। तो अब आपको पता चल गया कि एंट्स ने इस तरीके से बिहेव क्यों करा। कुछ ऐसे मेल इंसेक्ट्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं फीमेल्स को उनकी स्मेल से ही, ठीक है। मान लो किसी लड़की को पहचानना है तो वो स्मेल से ही पहचान लेते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्कीटोज, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। तो जो मस्कीटोज ने कभी आपको तंग करा है, मच्छरों ने आपको कभी काटा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, अरे मुझे तो बहुत परेशान करा है मच्छरों ने, लेकिन इन मच्छरों को पता कैसे चलता है कि आप आखिर हो कहाँ पर? तो ये भी साइंस की वजह से इन्हें पता चलता है, जो कि हमें अभी पता चलने वाला है। मस्कीटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। तो जो मस्कीटोज होते हैं वो हमारी बॉडी की जो स्मेल होती है, खुशबू या फिर बदबू जो भी होती है, उससे हमारी बॉडी को डिटेक्ट कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे फीट होते हैं उनसे भी इन्हें पता चल जाता है, और हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, उससे भी ये लोग सेंस कर लेते हैं। Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? तो क्या कभी आपने इस तरीके से डॉग को कुछ सूंघते हुए देखा है? आपके घर के आसपास ज़रूर डॉग्स होंगे, या फिर आपने कभी ना कभी किसी डॉग को ऐसे सूंघते हुए तो देखा ही होगा। तो आखिर ये क्या चीज़ सूंघ रहे होते हैं डॉग्स, हमें पता चलेगा। तो जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड, दे कैन मेक आउट If another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. तो क्या होता है कि ये जो डॉग होते हैं, डॉग अपना एरिया बांट लेते हैं। तो डॉग अपना एरिया कैसे बांटते हैं, जैसे कि कुछ ना कुछ अपनी स्मेल से वो अपना एरिया बांट लेते हैं। अगर कोई और डॉग उनके एरिया के अंदर आ जाता है, मान लो ये डॉग है, इस डॉग ने एरिया बांट लिया कि ये जो ट्री के आसपास जो भी एरिया है वो मेरा है। अब जैसे ही कोई और डॉग इस ट्री के पास में आएगा, तो कैसे पता चलेगा इस डॉग को कि कोई डॉग इस ट्री के पास में आया था? उसकी यूरिन से, मतलब उसकी टॉयलेट से या फिर उसकी पॉटी से। तो इस तरीके से ये डॉग पता लगा लेगा कि इस पेड़ के पास कोई और डॉग भी आया था। तो यहाँ पर हमें कुछ लिखने को क्वेश्चंस दिए हैं, आई होप आप इन्हें ट्राई करो और आप बताने की कोशिश करो इन क्वेश्चन के आंसर्स। आगे देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पर हमें दिया है, डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर। तो क्या आपके और आपके फ्रेंड्स के सिमिलर आंसर हैं जो हमने हमसे ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं विद रिगार्ड्स टू देम? तो ये डिस्कस भी दिया है हमें, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, वो सब मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है, वाई सो टूडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, शी हैड टू लीव हर 6 months ओल्ड सन दीपक विद हर सिस्टर सुशीला। Sushila also has a baby of the same age. It was funny that both the baby did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister Sandeepak, she covered her nose with her dupatta. तो क्या होता है कि रजनी होती है, रजनी और कौन, रजनी और उसकी जो बहन होती है सुशीला, ये दोनों कौन होती हैं, सिस्टर होती हैं। अब जो रजनी थी उसको अचानक से इम्पॉर्टेंट वर्क, मतलब किसी इम्पॉर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ा, तो ये अपनी बहन से बोलती है सुशीला से कि ये मेरा बेटा दीपक है, ज़रा उसका भी ध्यान रखना। अब सुशीला जो थी इसकी बहन, उसके पास भी एक और बच्चा था, जिसका नाम क्या था, उसका खुद का बच्चा था, जो कि खुद ही इतनी ही एज का था जितनी एज का दीपक था।
अब जो दीपक था और जो इसकी बेटी थी सुशीला की, ये दोनों एक साथ पॉटी करते हैं। तब जब ये दोनों एक साथ पॉटी करते हैं तो ये दोनों की पॉटी को क्लीन करती है। जब ये अपनी बेटी की पॉटी क्लीन कर लेती है, फिर ये किसकी पॉटी क्लीन करती है? दीपक की। जैसे ये दीपक की पॉटी क्लीन करने के लिए आती है, अपनी नाक को दुपट्टे से कवर कर लेती है। तो ये ऐसा क्यों करती है, ये हमें पता चलेगा अभी आगे। तो ऐसा किस वजह से कर रही होगी ये, गैस करो क्यों करती है ऐसा वो। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट सेम टाइम, वेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक वेरी ऑफ्टन, डू यू नो व्हाई? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैनॉट मूव, सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। तो अब यहाँ पर क्या बताया है कि जो बर्ड्स होती हैं, इनकी आपने आंखें देखी होंगी कि आंखें किस तरीके से प्लेस हैं। लेकिन एक बहुत अमेजिंग बात है जिसको सुनकर आप सच में सरप्राइज हो जाओगे, ज़्यादातर बर्ड्स की जो आंखें होती हैं वो इधर उधर मूव नहीं कर सकती। जैसे अभी आपकी आंखें आपने स्ट्रेट रखी है, अब मैं आपको बोलूं कि ज़रा लेफ्ट हैंड साइड अपनी आंखें मोड़ के देखो, राइट हैंड साइड मोड़ के देखो, तो आप मोड़ सकते हो अपनी आंखों को, लेकिन बर्ड्स ऐसा नहीं कर सकती। उनकी आंखें बिल्कुल एक जगह पर, एक पॉइंट पर फिक्स होती हैं। अब मान लो उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में देखना है तो उन्हें अपनी गर्दन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ घुमानी पड़ेगी, राइट हैंड साइड में देखना है तो अपनी गर्दन राइट हैंड साइड की तरफ घुमानी पड़ेगी। तो ये चीज़ हमें बताई है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमें दिया है लुकिंग विद वन और बोथ आईज, क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड, टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव, शेक हैंड्स एक्सेट्रा। तो अब आपको अपनी सीधी आंख बंद करनी है और अपने हाथ से अपनी सीधी आंख को कवर कर लेना है। आपको अपने दोस्त को बोलना है कि यार मेरी राइट हैंड साइड में आकर खड़े हो जा, मतलब जो आंख बंद है उस साइड में अपने दोस्त को खड़ा कर लेना है। उसको बोलना है कि कुछ एक्शन कर, या तो हाथ हिला या कुछ शेक हैंड कर या कुछ डांस वगैरह कर। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, क्या आप अपने दोस्त का एक्शन देख सकते हो अपनी नेक को बिना घुमाए, अपनी नेक को बिना मोड़े? नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? क्या आपने पहली बार जब आपने अपनी आँख को बंद करा हुआ था तब आपने अपने फ्रेंड को कुछ एक्शन करते हुए देखा? नहीं देखा होगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी आँख से हाथ हटा लेना है और अब अपनी दोनों आँखों से स्ट्रेट देखना है। जब आप स्ट्रेट देखोगे अपनी दोनों आँखों से, तो बिना गर्दन घुमाए क्या आप अपने दोस्त को देख पा रहे हो? बिल्कुल देख पा रहे होगे, गर्दन हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड तो आपका दोस्त खड़ा ही है। लेकिन पहले क्या आप अपनी गर्दन बिना मुड़े अपने दोस्त को देख पा रहे थे? नहीं, जो आपकी राइट हैंड साइड कवर थी तो आपका दोस्त तो सीधे हाथ पे खड़ा था, तो आपको अपनी गर्दन घुमानी पड़ रही थी। लेकिन अब घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड आपने खोल ली है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस स्पॉट कर सकते हैं दोनों आँखों से। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, ट्राई दिस विद बोथ योर आईज ओपन then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ बताई है कि क्या करो, आप अपनी एक आँख को क्लोज कर लो और एक कॉइन हवा के अंदर उछालो, उसे पकड़ने की कोशिश करो, उसके बाद अपनी दोनों आँखें खोल लो, फिर दोबारा उस कॉइन को हवा में उछालो और फिर पकड़ने की कोशिश करो। अब सिंपली ये आंसर करना है कि आसान कौन सा लगेगा आपको। तो आसान हमें लगेगा जब दोनों आँखें ओपन होंगी, तब हमें ज़्यादा आसान लगेगा बॉल को कैच करना। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स, वॉट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैनॉट डू नाउ। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, क्या होगा अगर हमारी आइज की जगह ना होके ईयर्स की जगह होती तो क्या होगा, देखते हैं। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters that what we can see from a distance of 2 meters. Now can you guess from what distance can a eagle in the sky see a roti on the ground? तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो generally जो birds होती हैं, जैसे kites हो गए, eagles हो गए, vulture हो गए, ये क्या है, 4 गुना ज़्यादा देख सकती हैं, 4 गुना दूर तक देख सकती हैं हम लोगों से, मतलब हम लोगों से 4 गुना ज़्यादा दूर की चीज़ें इन्हें आसानी से दिख जाती हैं, बहुत दूर तक इन्हें दिख जाता है।
तो ये जो बर्ड्स होती हैं ये लगभग 8 मीटर ज़्यादा देख सकती हैं, और हम लोग लगभग क्या है ये बर्ड्स जो हैं सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, 8 मीटर्स के डिस्टेंस से देख सकती हैं, जो चीज़ हमें देखने के लिए 2 मीटर्स का डिस्टेंस लगता है। तो सिंपल बात ये है, ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं होना, कि जो कुछ ये बर्ड्स हैं जैसे काइट, सीगल्स, वल्चर, ये बहुत दूर तक की चीज़ें आसानी से देख सकती हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब आप ग्राउंड पे बैठ के आराम से रोटी खा रहे होते हो लंच पीरियड में, तो कुछ बर्ड या फिर कुछ ईगल वगैरह उड़कर क्यों आते हैं आपके पास, क्योंकि उन्हें दूर से ही आपके हाथ में रोटी दिख जाती है। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि हम फ्यूचर में इसी तरीके के और वीडियोस बनाते रहें, तो फटाफट ज्वाइन के बटन पर क्लिक करो और हमारे चैनल के मेंबर बनो। तो अब हमसे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एनिमल्स को कलर्स दिखते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन। तो जो एनिमल्स होते हैं वो उतने सारे कलर्स नहीं देख सकते जितने हम देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स से ये सारी चीज़ें कैसे देखी जाएंगी? तो यहाँ पर हम हैं ह्यूमन बींग्स, हम जब इस फ्लावर को देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है, चिड़ियाओं को ऐसा दिखता है, बर्ड्स को। और जो ये हमारा डॉग है इसको किस तरीके से दिख रहा है? कुछ इस तरीके से। अब ये कौन सा एनिमल है ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, तो आप में से कुछ बच्चे कमेंट करके फटाफट मुझे बता सकते हो कि ये कौन सा एनिमल है? इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर्स। तो ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स सुबह के समय, दिन के समय जगते हैं, वो कलर्स देख सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स सुबह के समय या फिर दिन के समय नहीं जगते, वो कलर्स वाली चीज़ें नहीं देख सकते। शार्प ईयर, तो शार्प ईयर की बात हो रही है। अब जो क्लास फोर्थ है उसके अंदर हमने यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड्स ईयर, हम लोग बर्ड्स के ईयर नहीं देख सकते, उनके ईयर जो होते हैं बहुत स्मॉल होल्स होते हैं और उनको कवर कर रखा होता है किससे? बर्ड्स के फैदर्स ने। तो आप में से कितने बच्चों को अभी तक भी लगता था कि बर्ड्स के पास ईयर्स नहीं होते? ईयर तो होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं और फैदर से कवर होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, ट्राई दिस के अंदर हमें एक एक्टिविटी बताई है। तो ये एक्टिविटी आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, साउंड सेंड्स मैसेज, हाई अप ऑन अ ट्री लंगूर वॉन्ट्स अदर्स ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड, द लंगूर डस दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। तो ये जो आवाज़ें हैं, आवाज़ों के थ्रू एनिमल्स कुछ फ़ायदा भी उठाते हैं। तो एक पेड़ के ऊपर ऐसे लंगूर चढ़ा होता है, इसको क्या दिख जाता है, टाइगर या फिर लेपर्ड। अब जितने भी इसके दोस्त हैं या फिर जितने भी जंगल में और लंगूर हैं, उनको ये वार्निंग देकर ये कुछ स्पेशल सी आवाज़ निकालता है, चिल्लाता है, वार्निंग दे देता है इन्हें। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर, सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंजर्स। For example, there is different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. तो birds भी कुछ इसी तरीके से अपने जो भी दोस्त होते हैं, अपने जो भी साथी होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, warn करते हैं कि अरे कोई दुश्मन आने वाला है, हमने दुश्मन को देखा है। तो जब ये दुश्मन आसमान से आ रहा होता है, मतलब आसमान के अंदर ही इनका कोई दुश्मन है उड़ने वाला ही, तब ये अलग तरीके की आवाज़ निकालती हैं। जब ये दुश्मन अर्थ के ऊपर है, जैसे कि कोई भी चीज़ समझ लो, कैट वगैरह समझ लो, कैट है इनके ऊपर अटैक करने वाली है बर्ड्स के ऊपर, तब ये अलग तरीके की आवाज़ें निकालेंगी कि ये जो दुश्मन है ये अर्थ पे रहने वाला है, और जब दुश्मन आसमान वाला होता है तब ये अलग आवाज़ निकालती हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल्स बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम, पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर। तो जो फिश होती है, फिश भी कुछ इसी तरीके से क्या करती हैं, अपने जो दोस्त होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देती हैं अगर कोई खतरे वाली बात होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अलग तरीके से बर्ताव करने लगते हैं, कब ऐसा करते हैं वो लोग, जब अर्थक्विक मतलब कि भूकंप आने वाला होता है, या फिर स्ट्रॉम मतलब कि आंधी या फिर तूफान, कुछ खतरनाक चीज़ होने वाली होती है, तो इन एनिमल्स को पहले से ही पता लगने लग जाता है और ये अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये है हमारे डॉल्फिन्स।
डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स, तो डॉल्फिन भी अलग तरीके की आवाज़ें बनाती हैं जिससे कि वो मैसेज दे पाएँ एक दूसरे को, एक दूसरे से बात कर पाएँ। हम लोग बात कैसे करते हैं? मुँह से। अगर आपको अपने दोस्त को बोलना हाय हेलो तो आप अपने मुँह से हाय हेलो बोल देते हो, लेकिन डॉल्फिन एक अजीब सी आवाज़ निकालती हैं। और साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स की खुद की एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिससे वो एक दूसरे से बात कर पाएँ। तो अब यहाँ पर हम भी कुछ चीज़ ट्राई कर सकते हैं इन एनिमल्स से सीखने के बाद और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। वो क्या चीज़ है कि हम लोग अपने दोस्तों से बात किस तरीके से करते हैं। सब बोलेंगे सर हम तो अपने माउथ से बात करते हैं, मुंह से बात करते हैं, लेकिन क्या होगा जब आप कोई भी अपने मुंह से शब्द नहीं बोल सकते लेकिन आपको अपने दोस्त को कुछ बात बतानी है। तो इस तरीके से आप कुछ एक सीक्रेट मैसेज बना सकते हो, एक अलार्म कॉल बना सकते हो। अलार्म कॉल मतलब कि एक वार्निंग का सिग्नल बना सकते हो। अगर आपकी क्लास के अंदर टीचर आने वाली है तो टीचर से बचने के लिए कुछ ना कुछ एक सिग्नल बना सकते हो। यहाँ पर बात हो रही है स्लीप वॉकिंग की। स्लीप वॉकिंग, सोते में भी लोग चलते हैं। हाँ, कुछ लोगों को ऐसी बीमारी होती है कि वो नींद के अंदर भी चलते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग स्लीप वॉकिंग। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स। तो कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो ऐसा ही करते हैं। कुछ एनिमल्स बहुत लंबे टाइम तक सोते रहते हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन सीजन्स होते हैं, जैसे कि सर्दियों का टाइम हो गया, उस टाइम पर कुछ एनिमल्स सोने के लिए चले जाते हैं और बहुत टाइम तक सोते रहते हैं। देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स, और इसी वजह से उन्हें महीनों महीनों तक नहीं देख सकते हम लोग, क्योंकि वो सो रहे होते हैं। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन यू कैन नॉट सी एनी लिजर्ड इन द हाउस, वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन। तो जब सर्दियाँ हो रही होती हैं तब आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो भी हमारी छिपकलियाँ हैं, कुछ घरों के अंदर तो आपको शायद देखने को मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर जो छिपकलियाँ होती हैं वो गायब सी हो जाती है सर्दियों के अंदर। एक या दो छिपकली तो आपको दिख सकती है। तो अब ये जो ज़्यादातर छिपकलियाँ, ये कहाँ गई हैं? ये सब लिजर्ड्स सो रही हैं। ओहो, तो लिजर्ड्स बहुत टाइम तक सोती हैं। तो यहाँ पर स्लॉथ के बारे में भी हमें बताया गया है। इट लुक्स लाइक अ बियर फ्रूट बट इट इज़ नॉट, इट्स अ स्लॉथ। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन अ ट्री ब्रांच। तो ये जो स्लॉथ एक टाइप का एनिमल होता है, देखो ये जो एनिमल होता है ना, ये लगभग 17 घंटे सोता है एक दिन के अंदर। तो जगता ही कितना होगा? थोड़ा बहुत जगता होगा। ऐसे ही टी की ब्रांच पे चिपक कर सोता रहता है ये। और लगभग जो स्लॉथ है वो 40 साल तक क्या रहता है, स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स, 40 साल तक ही इसकी ज़िंदगी होती है, ज़्यादा लंबा ये नहीं जीता, ठीक है। तो गिवन हेयर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट डाउन बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल्स स्लीप। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए, जैसे काओ, पाइथन, जिराफ, कैट, अब ये कितनी कितनी देर तक सोते हैं ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें एक टाइगर की पिक्चर दे रखी है, बड़ा खतरनाक लग रहा है टाइगर तो। और टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, मतलब रात को टाइगर को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखती हैं, साफ साफ दिखती हैं। हम लोगों से 6 गुना अच्छा देख सकता है टाइगर। द टाइगर्स विस्कर्स, विस्कर्स किसे बोलते हैं, ये जो आपको मूंछ दिख रही है ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं विस्कर्स। तो ये जो टाइगर की मूंछ होती हैं आर वेरी सेंसिटिव, बहुत नाजुक होती हैं। और हल्की सी भी इसके पास में अगर कोई मूवमेंट करता है या फिर एयर के अंदर वाइब्रेशन होती है तो ये उस चीज़ को सेंस, मतलब कि उस चीज़ को जान लेता है। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। अब ये टाइगर की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं जिससे कि वो अपने दुश्मनों को पकड़ पाए और रात के समय आराम से घूम पाए, क्योंकि इनको हल्की सी भी अगर कोई आसपास होता है तो ये जो मूंछ होती है ना टाइगर की, इससे उसे पता चल जाता है। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different direction and this helps to catch the sound from all sound. तो यहाँ पर क्या all around? तो यहाँ पर क्या बताया, जो टाइगर होता है उसकी सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने की शक्ति जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है और वो डिफरेंस पता लगा सकता है। मान लो कोई पत्ते हैं, पत्ते क्या हो रहे हैं, रस्ट हो रहे हैं, मतलब कि पत्ते, पत्तों के घिसटने की जो आवाज़ होती है,
मतलब पत्ते जब हवा से हिलते हैं उसकी जो आवाज़ होती है उसके बीच में भी वो डिफरेंस पता लगा सकता है कि कोई एनिमल मूव कर रहा है या फिर पत्ते जो हैं वो मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस पता लगा सकता है। जो टाइगर होता है उसके पास स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि उसके ईयर उस डायरेक्शन के अंदर मतलब उस जगह पर घूम जाते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, तो उसको आसानी से पता चल जाता है कि मेरा दुश्मन कहाँ पर है। टाइगर कैन मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइग्रेस। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नार्ल। इट्स रोअर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। तो जो टाइगर होता है अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालता है, और जब टाइगर गुस्से में आकर घुर्राता है तब उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे जाती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। तो जो टाइगर होते हैं, कुछ टाइगर ऐसे होते हैं जिनका बहुत बड़ा एरिया होता है, लगभग बहुत सारे किलोमीटर्स एरिया कवर करता है। अब ये जो एरिया होता है इसकी बाउंड्री किस तरीके से बनाते हैं टाइगर, टाइगर यूरिन करके टॉयलेट करके इस एरिया की बाउंड्री बनाते हैं। क्या अब हमने इस एरिया के अंदर टॉयलेट कर दिया, अब ये हमारा एरिया है, अब इधर कोई भी नहीं आ सकता। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। तो टाइगर यही जो डॉग्स हैं डॉग्स की तरह ही टाइगर भी पता लगा लेते हैं अगर कोई उनके एरिया के अंदर आता है, किस चीज़ से, यूरिन से ही, उनकी यूरिन की स्मेल से। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इन टू अनदर टाइगर्स एरिया। और टाइगर हमेशा अवॉइड करते हैं, मान लो एक टाइगर है उसका जो एरिया है वो अपने एरिया से दूसरे टाइगर के एरिया में जाने को अवॉइड करेगा, कोशिश करेगा कि मैं दूसरे टाइगर के एरिया के अंदर ना जाऊँ। तो यहाँ पर द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टूडे टाइगर्स आर इन डेंजर। जो टाइगर होता है सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल होता है, मतलब कोई भी आसपास कुछ भी हो रहा होता है जिसे पता चल जाता है तुरंत। लेकिन आज हम लोग देखते हैं तो टाइगर्स डेंजर के अंदर है, खतरे के अंदर हैं। वट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजरस टू टाइगर्स इन द जंगल्स। तो आपको क्या लगता है कि टाइगर को क्या खतरे हैं जंगल के अंदर? टाइगर को और एनिमल से तो कोई खतरा होगा नहीं, टाइगर को जो खतरा है वो है ह्यूमन बींग से, इंसानों से, क्योंकि इंसान उन्हें गोली वगैरह मार देते हैं या फिर इंसान लोग जो हैं वो जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो टाइगर को रहने की जगह मिल ही नहीं रही। कैन ह्यूमन बींग ऑल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स? हाँ, ह्यूमन बींग्स थ्रेट हो सकते हैं क्या एनिमल्स को? हाँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गोली वगैरह मार देते हैं और कोशिश करते हैं ह्यूमन बींग्स के एनिमल्स को पकड़कर जू के अंदर बंद कर दें। डू यू नो दैट टूडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। अब ये एनिमल्स को मारने का रीज़न क्या होता है? एक तो किसी ह्यूमन बींग के ऊपर अगर टाइगर अटैक करने के लिए आ रहा है तो उसको गोली मार दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन एनिमल्स को मार के और इनके पार्ट्स को बेचते हैं। पार्ट्स कैसे? जो हाथी का आपने दांत देखा है कितना बड़ा होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव बिकता है, तो लोग इसको बेचते हैं। जो शेर होता है इसकी जो स्किन हो गई, खाल हो गई शेर की, शेर को मारने के बाद उसकी खाल बहुत महंगी बेचते हैं। तो यहाँ पर टस्क मतलब कि हाथी के दांत। और राइनोसॉरस जो होता है इसका जो हॉर्न होता है, जो ऊपर राइनोसॉरस का हॉर्न होता है, इसको भी लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। टाइगर्स को भी मार कर उसकी स्किन बेच देते हैं, क्रोकोडाइल, स्नेक, इन सबको भी मार देते हैं और इनकी स्किन को लोग बेच देते हैं अच्छे खासे पैसे के लिए। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क। तो जो मस्क डियर होते हैं उन्हें मार दिया जाता है जिससे कि बहुत थोड़ा सा सेंट बनाया जाए। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पूचर्स। तो जो लोग एनिमल्स को मारते हैं या फिर उनको हंट करते हैं, पकड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हंटर्स और पूचर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ हो। हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जानी, हमें पता चला कि एनिमल्स के पास सुनने की स्पेशल पावर होती है, टाइगर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें पता चली। तो यहीं पर हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक करो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो. बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.